कक्षा 5 के बच्चों, आपका EBS की क्लास में आज हम लोग चैप्टर 10 को पढ़ेंगे और चैप्टर 10 में वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ क्वेश्चन बी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के अंतर्गत हमने व्हाट इज फर्स्ट एड और व्हाट इज द रोल ऑफ सेफ्टी पिंस लार्ज एंड स्मॉल इन ए फर्स्ट एड किट, इसके संबंध में जाना और समझा. इसको लिखवाया भी जा चुका है, वैसे आप सब लोग जानते हैं व्हाट इज फर्स्ट एड. फर्स्ट एड इज द फर्स्ट मेडिकल हेल्प गिवन टू अ पर्सन और इंजर्ड पर्सन बिफोर डॉक्टर अराइव, यानी डॉक्टर के आने के पहले किसी जख्मी व्यक्ति को या बीमार व्यक्ति को जो प्राथमिक चिकित्सा जो सहायता हम लोग दे देते हैं उसी को प्राथमिक उपचार या प्राथमिक सहायता या प्राथमिक ट्रीटमेंट कहा जाता है, फर्स्ट एड कहा जाता है. तो इसके अंतर्गत अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाउ विल यू हेल्प इफ समवन इज फेसिंग ब्लीडिंग. यदि किसी व्यक्ति को अक्सर ऐसा होता है कि गर्मी के दिनों में बच्चों का नाक जो है ये सूख जाता है जिसके कारण ब्लीडिंग आने लगता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कभी हल्की सी चोट लग जाने से भी नाक से रक्त स्राव होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए. तो हमें उस व्यक्ति को या उस लड़के को सीधा लिटा देना चाहिए, सर ऊपर की तरफ हो यानी नाक ऊपर की तरफ हो ताकि ब्लीडिंग नीचे नहीं आए, और थोड़ी देर के बाद वो फिर उसको हम लोग नाक को थोड़ी देर के लिए बंद कर लेते हैं, तब तक वो मुँह से श्वास लेता है और उसके बाद नाक पर हल्का सा बर्फ़ या पानी से उसको धो देते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद वो रिलैक्स हो जाता है. और यदि प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है तो आप किसी डॉक्टर से मिलेंगे या हम उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं. तो इसमें क्या करना चाहिए, इसके लिए आप देखें, इन केस ऑफ नोज ब्लीडिंग वी शुड पिंच द नोज. पिंच मतलब दबाना होता है, वी शुड पिंच द नोज, सिर्फ नाक को दबाएंगे हल्का सा, जस्ट बिलो द ब्रिज, और इसके बाद डोंट पिंच द नोज नाक का जो छिद्र है अंदर का उसको नहीं बंद करना चाहिए, नॉस्ट्रिल क्लोज्ड बाय पिंचिंग लावर. और इसके बाद बच्चों वी शुड ऑल्सो अप्लाई ए कोल्ड पैक में या तो बर्फ के टुकड़े हो सकते हैं या बर्फ के पानी में डुबाया हुआ पानी का टुकड़ा हो सकता है, गीला टुकड़ा जो साफ होना चाहिए, टू द ब्रिज. While pinching इसे आप कॉपी में लिख लेंगे. और इसके बाद फोर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी देख लीजिए. तो क्वेश्चन नंबर 4 है, What happens in a hair tonic? What happens in a hair
टॉनिक, आंसर इसका भी आंसर आपको लिखवाया जा रहा है। हेयर टर्निक्स एक कंडीशन वेयर वेयर ए हेयर और अदर थ्रेड अदर थ्रेड बिकम्स टाइट अच्छी तरह से बांध दिया जाता है अराउंड ए टो और फिंगर टो और फिंगर टाइटली एनफ टू टाइटली एनफ टू कट ऑफ ब्लड फ्लो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है जिसे हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप इसको लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे और इसका वर्ड मीनिंग भी ऑलरेडी पहले लिखवाया गया है उसको आप याद करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।